फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है, यानी कि जो फैराडे नियम दिया था वो नियम हम पढ़ेंगे पहले। तो स्टूडेंट, जो फैराडे का नियम है ये जो है विद्युत अपघटन पर आधारित है, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम। तो जो माइकल फैराडे ने सन 1833 में विद्युत अपघटन का अध्ययन करके एक नियम दिया जिसे हम फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। इन्होंने मेनली जो है दो नियम दिए थे जिसे हम कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। तो इन दोनों को हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, यानी कि पहला नियम क्या है। तो देखिए, पहले नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है ये सेल में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एनोड और कैथोड दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो जैसे एक सेल हम ले लेते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस प्रकार से दो छड़ है, इसे हम कह सकते हैं एनोड, ठीक है। ये मान लीजिए एनोड है, ये है कैथोड, ठीक है, और इसमें जो है अंदर जो है विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। तो कहा क्या जा रहा है डेफिनेशन में इस नियम में, कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ मात्रा, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले, मान लीजिए यहाँ पर एकत्रित हो रहा है पदार्थ, तो इस पदार्थ की जो मात्रा होती है वो इस विलयन, इस विद्युत अपघट्य में, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है विद्युत अपघट्य है, तो इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश यानी कि क्यू के समानुपाती होती है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जो मात्रा है उसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू के, ठीक है, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू जो है इसे हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, सॉरी फिर से हम लिख देते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, ये किसके समानुपाती होती है, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले आवेश, ठीक है, तो आवेश के ये समानुपाती होती है, आवेश को डिनोट करेंगे क्यू से। तो देखिए ये कहा गया है इस नियम में, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा, एक नियतांक जुड़ जाएगा Z, ठीक है, Z इंटू क्यू। तो ये तो इसका फार्मूला एक हो जाएगा, ठीक है, W इक्वल टू Z इंटू क्यू, ठीक है। Z यहाँ पर क्या है, तो Z को लिख देते हैं, Z है आपका समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है, तो जेड है आपका समानुपाती स्थिरांक, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू। अब हमें पता है कि क्यू इक्वल टू, यानी कि आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, क्यू बराबर आई टी होता है, तो चूंकि क्यू इक्वल टू आई टी इसलिए हम यहां पर रख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू जेड, ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये नियतांक है, और क्यू के स्थान पर आई टी लिख देंगे, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। तो यही फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही इस नियम का फार्मूला है कि किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा डब्लू होती है वे विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। तो हमने इस फार्मूले को यहाँ से निकाल लिया इस नियम से। अब हम देखेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो देखिए हमारा दूसरा नियम है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के अनुसार फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बताया गया है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा, यानी कि विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं, किसकी मात्राएं, पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रसायन तुल्यांक के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि यदि विद्युत धारा की हम समान मात्रा लें और बहुत सारे विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं होंगी वो उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होंगी। अब देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है आपका एक बॉक्स, ठीक है, ये है आपका,
तो देखिए ये विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है, यह है प्रथम विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य जो होता है वो कुछ तनु होते हैं जैसे इसमें आयन होते हैं, तो मैंने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है। अब हम ये क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं प्रथम विद्युत अपघट्य, प्रथम विद्युत अपघट्य, ठीक है, और इसे मान लेते हैं सेकेंड विद्युत अपघट्य, यानी कि दूसरा द्वितीय विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब देखिए बताया क्या जा रहा है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा, मान लीजिए यहां से हम विद्युत धारा ला रहे हैं, हमने इस विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित की उतनी मात्रा हमने इस विद्युत अपघट्य में भी विद्युत धारा की प्रवाहित की। मान लीजिए हमने यहां पर आई वन, ठीक है, यानी कि आई हमने धारा प्रवाहित की, और यहाँ पे भी हमने आई धारा प्रवाहित की, यानी कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जितनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी उतनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं जो होती हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होती हैं या समानुपाती होती हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज समझेंगे, जो पदार्थ की मात्रा जो एकत्रित हुई है उसे हम डिनोट करेंगे W1 से, और जो इस पे दूसरे वाले पे वो पदार्थ की मात्रा हुई वो W2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए धीरे धीरे, तो देखिए W1 और W2 और एक आपका जो है, तो देखिए कहा क्या गया है कि मुक्त जो मात्राएं होती हैं वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान यानी कि तुल्यांकी भार के बराबर होती हैं, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो W1 into आपका हो जाएगा जो तुल्यांकी भार को हम डिनोट करते हैं E से, तो E1, ठीक है, और W2 is equal to E2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं यहां पर W1 upon W2 is equal to E1 upon E2, E1 upon E2, ठीक है, यानी कि W1 जो होगी पदार्थ की जो मात्रा होगी वो विद्युत वो जो होगी तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो W1 अपान W2 E1 अपान E2 लिख सकते हैं, जो पहले विद्युत अपघट की का भार होगा वो उसकी तुल्यांकी भार के बराबर होगा, ठीक है, और जो दूसरे जो विद्युत अपघट्य का भार होगा वो उसके जो है उसके भी तुल्यांकी भार के बराबर होगा। तो W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में कि W इक्वल टू आपका होता है जेड आई टी, जैसे यहाँ पर W1 लिखा है तो जेड वन आई टी लिख सकते हैं, ठीक है, तो W इक्वल टू आपका होता है जेड आई टी। तो चलिए इस पर लागू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि W इक्वल टू जेड आई टी, तो W1 अपान W2 यानी कि जेड वन आई टी अपान जेड टू आई टी। आप लोग सोच रहे होंगे जेड क्या है, जेड कहाँ से आ गया, तो ये जेड जो है स्टूडेंट वह रासायनिक तुल्यांक, देखिए मैंने यहाँ पर बताया विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, तो अभी मैं बताऊंगा कौन क्या है, तो रासायनिक तुल्यांक है जेड, ठीक है, और जेड जो है उसमें भी हमने देखा था, तो जेड आई टी इक्वल टू ई वन अपान ई टू। अब देखिए आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमने पाया जेड वन अपान जेड टू इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है। अब ये आपका जो है प्रूफ हो चुका है, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं Z अनुक्रमानुपाती E, यानी कि जो Z है वो E के अनुक्रमानुपाती होता है, यही नियम में बताया गया है। अब यहाँ पर Z क्या है E क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है, तो जो स्टूडेंट आपका Z है वो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और जो E है, ठीक है, यानी कि जेड के बाद जो E है वो आपका है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है, तो ये इसमें संबंध आ गया। तो दूसरा नियम हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ठीक है, जिसे हम लोग W1 इस पर्सनल टू E1 लिखा है हमने, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब सॉल्व करेंगे पूरा, यानी कि W1 अपान W2
इक्वल टू ई वन अपान ई टू, डब्ल्यू की वैल्यू जेड आई टी होती है, तो हमने इस पर लिखा तो जेड अंकमानुपाती ई आपका आ गया। ठीक है, तो ये था आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, जो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा।